या बुजुर्ग, हमारी माताएं, मेरी प्यारी बहनें और हमारे पत्रकार बंधुओं, हम सभी जानते हैं कि 2022 का चुनाव हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है कि नहीं। जो लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, अब उनको समझ आ गया कि हवाएं बदल गई हैं, मौसम बदल गया है और समाजवादी और गठबंधन की सरकार आ रही है। हमारी प्रत्याशी पल्लवी पटेल जी, जानते हैं, इस बार तीन बहुएं एक साथ आई हैं। सिराथू की बहू पल्लवी पटेल जी, इलाहाबाद की बहू हमारी आदरणीय अजया बच्चन जी, और मैं यूपी की बहू कह लूं अपने आप को, यूपी की बहू डिंपल यादव। बेटे ने तो सराथू के बेटे ने तो धोखा दे दिया, दिया कि नहीं दिया। अब मेरा मानना है कि सराथू की जनता अपनी बहू को मौका देने वाली है, और ये बहू जो एक परिवार है जिनका, जो जानती है परिवार कैसे चलाना है और जो समझती है परिवार का दुख दर्द, वो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है और आप सबकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। और मुझे पूरा भरोसा है कि पल्लवी जी जो पढ़ी लिखी है, जमीन से जुड़ी है, सिराथू के सम्मान के लिए जमीन पर तो बैठ जाएंगी लेकिन अपने आत्मसम्मान को कायम रखेंगी और कभी भी स्टूल पे नहीं बैठेंगी। पल्लवी जी ही सिराथू को पल्लवित करने का काम करेंगी। और जया जी जन घोष करने आज यहाँ पे आई है, और मुझे पूरा भरोसा है कि सिराथू की जनता साइकिल का बटन दबा के इतने वोट देंगे कि मंत्री जी भी शर्मिंदा हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? गुंडागर्दी की बात करते हैं समाजवादियों के लिए ये लोग कि नहीं करते? बताइए मंत्री जी पे कौन कौन से मुकदमे लगे हैं? ऐसी सरकार देखी है जिसने, ऐसे मुख्यमंत्री जिसने अपने ही मुकदमे हटाए हो, और उप मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने ही मुकदमे हटाए हो, ऐसे कहीं पे हुआ है किसी भी प्रदेश में जहां पे ऐसी संगीन धाराएं लगी हैं और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद, उप मंत्री बनने के बाद अपने ही धाराएं और अपने ही मुकदमे हटाए हो? तो जो लोग दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, वो पहले अपने गरिबान में झांक के देख ले कि उनके क्या हाल है। जनता जनता, नौजवान, माताएं बहनें, ऐसी सरकार बनाने जा रहे हैं जो नौकरियां देने वाली है हमारे युवाओं को, जो महिला सुरक्षा पे काम करेंगी। जो गलत फहमी ये लोग फैला रहे हैं महिला सुरक्षा के नाम पे, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि 2000 के जो आंकड़े थे एनसीआरबी के, उसमें महिलाओं के साथ जघन्य अपराध कम हुए थे, और इन 5 सालों में जो आंकड़े आए हैं वे आंकड़े बहुत ही दर्दनाक हैं। हम जानते हैं कैसी कैसी घटनाएं आज महिलाओं के संग हो रही हैं, और बगैर इसके कि इन महिलाओं का साथ दिया जाए, उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया जाता है। क्या हाथरस की